Assalamu alaikum. Welcome to Jafar sir's e-learning class. Today we are going to learn about standard 6th subject English, unit 1, activity 1.5, New Jobs project, and learning about language on page number 13 to 17. This is first picture of spaceship and this is second picture of another spaceship. ये spaceship के दो pictures यहाँ दिखाए गए हैं, यहाँ लिखा गया है spaceship. Spaceship यानी खलाई जहाज, जो खला में उड़ता है, खला से यानी उतरता है, उस खलाई जहाज कहते हैं, स्पेसशिप कहते हैं. और ये एक तस्वीर बताई गई है, दिस इज एन पिक्चर, अ पिक्चर ऑफ एन एलियन. एलियन है ये, वहाँ पर दूसरे ग्रह पर, दूसरे सैयारों पर, प्लैनेट्स पे रहने वाले जानदार को वहाँ के इंसान नुमा जानदार को एलियन कहा गया है. ऐसा एक खयास है, एक अंदाज़ा है, ऐसा एक गेस है. दिस इज़ मार्स प्लैनेट, ये मार्स प्लैनेट है, सैयारा मरीख है ये, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं. और यहाँ पर ऐसे लोग होंगे, ऐसा साइंटिस्ट का ख्याल है, या ऐसे सैयारों पर, ऐसे ग्रहों पर, ऐसे प्लैनेट्स पे होंगे, और वो अपने से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता या होशियार या वेल डेवलप्ड होंगे, ऐसा बतलाया गया है. इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, जैसे कि कोई मिल गया एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एलियन बताया गया है, और उसमें बच्चे उसे लेकर, वो हीरो लेकर आता है घर पर, और उसे जादू जादू कहकर यानी वो पुकारते हैं, और वो अपने जादू से और अपनी यानी मामलात से वो बच्चों को, मैं एक बास्केटबॉल का मैच है वो भी उसमें जिताता है, इसलिए से बताया गया है. उसी तरह हम देखेंगे कि ये मैं ऑन पेज नंबर 13, दिस इज लेसन 1.5 न्यूजोस प्रोजेक्ट. 1.5 न्यूजोस प्रोजेक्ट, स्पेसशिप सेटल्स इन फ्रंट ऑफ अक्षय हाउस. स्पेसशिप यानी खलाई जहाज, खलाई जहाज अक्षय के घर के सामने उतरता है. अक्षय ये लड़के का नाम है, ये कॉमिक्स के जरिए ये स्टोरी बतलाई गई है. और ये अक्षय कह रहा है, सोच रहा है, यानी कह रहा है नहीं, ये सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट के जैसा दिया हुआ है, और अगर कहा जाता है तो इसको ऐसा यानी तीर के जैसा या नौक के जैसा बताया जाता है. व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, व्हाट डू आई सी, वो रही है स्ट्रेंज लाइट किसकी है, और मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये क्या देखता हूँ, ये क्या है ऐसा. तो ये जो है स्पेस शिप है, जिसे हिंदी में उड़न तश्तरी भी कहते हैं, खलाई जहाज. अब ये इसमें से ये एलियन निकल कर आया है, तो ये कह रहा है एलियन को, ये कह रहा है कि हेलो आई एम अक्षय, I cannot believe my eyes. Are you real? वो बोल रहा है कि हेलो, उससे यानी अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, मैं अक्षय हूँ, और मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, भरोसा नहीं आ रहा है कि आप सचमुच यानी सचमुच है क्या. हेलो आई एम नजूल फ्रॉम द प्लानट मार्स. वो बोल रहा, मैं प्लानट मार्स से आया हूँ और मेरा नाम न्यूजो है. और ये बोल रहा, व्हाट डू यू मीन रियल, यानी रियल का मतलब क्या है, क्या रियल यानी मैं क्या सचमुच, मैं तो सचमुच हूँ, ऐसा उसे लग रहा है. इसको ये नोजो को, आई एम हेयर ऑन माई स्कूल प्रोजेक्ट. और वो रहा, मैं यहाँ मेरा स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, स्कूल में मुझे भी प्रोजेक्ट दिया गया है, टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, आई नीड हेल्प. और मुझे वो जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो है स्टडी करना है, किस पर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पर, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का मुताला करना है, और उसके ऊपर मुझे प्रोजेक्ट दिया गया है, और मुझे आपकी यानी मदद की जरूरत है. तो अक्षय कह रहा है, ओ यू टू हैव प्रोजेक्ट्स, यानी तुम्हें भी प्रोजेक्ट होते हैं क्या, यानी ये बच्चे कह रहे हैं कि हम भी प्रोजेक्ट कर करके यानी जो है थक गए, अब तुमको भी प्रोजेक्ट है, ऐसा उसका मतलब. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. आई हैव मैनी चार्ट्स, मेरे पास बहुत से चार्ट्स है, मॉडल्स है, बुक्स एंड टैबलेट, और बुक्स भी है, किताबें भी है, और टैबलेट भी है. टैबलेट जो है मोबाइल से बड़ा यानी डिवाइस होता है एक, और उसे टैबलेट कहते हैं, बच्चे उस पर यानी स्टडी वगैरह करते हैं.
हाँ ये देखिए यहाँ पर सैयारा बताया गया है प्लेनेट के मायने, और मार्स यानी मिर्रिख या मंगल को कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दीज मॉडल्स शो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ये मॉडल उसके पास है, अक्षय के पास, और ये बतला रहा है नवजोस को कि ये बॉडी पार्ट्स जो है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ये बतलाते हैं मॉडल्स। अब यहाँ देखेंगे हम ये पूरा ह्यूमन बॉडी बताई हुई है और यहाँ सिर्फ फेस बताया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे फेस, चेहरा, शोल्डर, कांधा, चेस्ट, सीना, आर्म, बाजू या पूरा हाथ, स्टोमक, पेट, रिस्ट, कलाई, हैंड, हाथ, थाई जिसे रान या आम जबान में मांडी कहते हैं, लेग, पैर, टोज, पैर की उंगलियां, बिग टो, पैर का अंगूठा, हील, एड़ी, एंकल, टखना, नी, घुटना, वेस्ट, कमर, एल्बो, कोहनी और पाम, हथेली। हाँ, हाथ की जो उंगलियां हैं उसे फिंगर्स कहते हैं और पैर की उंगलियों को टोज कहते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे फेस, थ्रॉट, गला, चीन, ठुड्डी, चीक, गाल या रुखसार, आईलेशेस, पलके, आईब्रो, भवें, फॉरहेड, पेशानी, आईलिड, पपोटा, नॉस्ट्रिल, नथना या नागपुड़ी जिसे कहते हैं, हाँ, नेक, गर्दन। इस तरह से आपको जो है ये आपके नोटबुक में उतारना है और उसे अच्छी हैंड राइटिंग में ये नेम उसके लिख के उसे लर्न करना है। उसके बाद हम देखेंगे ऑन पेज नंबर 14, दिस इज पेज नंबर 14, नाउ लुक एट मी। अब ये अक्षय कह रहा है मेरे तरफ देखो, ऐसा देखिए उसने हाथ ऐसा बताया, दिस इज माई एल्बो जॉइंट, ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो कोहनी का जॉइंट है, कोहनी का जोड़ है। आई कैन मूव इट लाइक दिस, ये बता रहा, मैं इसे ऐसा मूव कर सकता हूँ, इसे ऐसा मोड़ सकता हूँ, बट नॉट दिस वे, लेकिन उसको ऐसा करके इधर नहीं मोड़ सकता मैं, ऐसा वो बतलाना चाह रहा, इस तरह से नहीं मोड़ सकता। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट पिक्चर में, दिस इज माई शोल्डर जॉइंट, ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, आई कैन टर्न इट इन 360 डिग्री, 360 डिग्री में मैं इसे घुमा सकता हूँ, पूरा गोल घुमा सकता हूँ, यानी 360 दर्जे के जाविये में घुमा सकता हूँ। आपने ये जाविया अपने छठी जमात में जाविये का जो आपको एक सबक है रियाजी में, और उसमें 360 दर्जे जाविये को जो है सालिम जाविया कहते हैं, यानी वो सालिम जाविये के इसमें मैं घुमा सकता हूँ। अब तो यानी जो पूछ रहा है उसको, वाओ, कैन यू आल्सो टेल मी अबाउट अदर लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, वो बोल रहा, क्या तुम मुझे जमीन पे क्या और दूसरे जानदारों के बारे में भी बतला सकते हो? तो ये कह रहा है नथिंग सिंपल सिंपलर, यानी क्यों नहीं, यानी कौन सी इसमें मुश्किल बात है, मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ। अभी देखिए, दिस इज एन एलिफंट, और ये उसका क्या है, टस्क, हाथी दांत, ट्रंक, सुंड, फ्रंट लेग, आगे का पैर, हाइंड लेग, पीछे का पैर या पिछला पैर जिसे कहेंगे, इसे अगला पैर, पिछला पैर, टेल, दुम, ये एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स हो गए। अब ये देखेंगे काउ, हॉर्न, सिंग, जॉ, जबड़ा, ये जबड़ा, हाँ, हूफ, खुर कहते हैं उसे, है ना, हाँ, जो उन्हें कुदरती जूते दे दिए कुदरत ने उनको, तो उसको खुर कहते हैं, होज, खुरे। नेक्स्ट पिक्चर, लॉयन, शेरे, बबर, विस्कर्स, मूछे, पौ, पंजा, मैन, अयाल या गर्दन के जो बाल होते हैं लॉयन के, उसे मैन कहते हैं। अब देखेंगे हम, यहाँ है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो यानी चिड़िया, आप चिड़िया के बॉडी पार्ट्स, बीक और बिल, बीक या बिल जिसे चोंच कहते हैं, फीदर्स, पर, क्लॉ, नाखून और विंग, पंख या बाजू, इसे भी आपको जो है अपने नोटबुक में अच्छी तरह से उतारना है और इसके नेम लेबलिंग करना है, उसे नाम देना है, उसको लर्न करना है। इसके बाद हम देखें ऑन पेज नंबर 15, दिस इज आगे की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, आई नो व्हाट दीज आर, दे आर एंटेनाई,
यानी ये बोल रहा, हाँ ये नोजोस बोल रहा है कि ये मुझे मालूम है ये क्या है, एंटीने है, उसके एंटीने की एक तस्वीर उसने देखा। तो अब ये अक्षय कह रहा है उसे, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, इट्स अ स्नेल। अब देखिए ये स्नेल है, ये यहाँ पिक्चर बताई भी है स्नेल की, जिसे हम गूंगे मियाँ कहते हैं गूगल गाई आम जबान में। ओ माय बजर्स रिंगिंग, ये बोल रहा है कि इसका जो ये बजर क्या हो रहा है, बज रहा है, बजर यानी घंटी इशारा, और ये रिंगिंग बोले तो बज रही है। माय टाइम ऑन अर्थ इज अप, अब मेरा जमीन पर ठहरने का वक्त क्या हो गया, खत्म हो गया, इज अप यानी खत्म हो गया। आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। तो अब ये कह रहा है थैंक्स फ्रेंड बाय, ये बोल रहा थैंक यू फ्रेंड बाय, आपका शुक्रिया, आपने मुझे क्या किए, हेल्प किए मेरे प्रोजेक्ट में, लेट्स मीट अगेन। तो ये कह रहा है अच्छी बात है, फिर हम दोबारा मिलेंगे, और देखिए यहाँ पर ये स्पेसशिप जो है उड़ते हुए चली जा रही है। हाँ ऐसा पी के पिक्चर में भी बताया गया था कि ऐसी ने जो स्पेसशिप आती है उसकी, और वो हीरो फिर बाद में उसमें बैठ के चले जाता है। तो इस तरह से ये न्यूजोस की जो है स्टोरी थी, हमने यहाँ देखे। अब आगे इसके पॉइंटर्स यानी क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर वन, हेयर आर सम फिगर्स फ्रॉम न्यूजोस प्रोजेक्ट, न्यूजोस के प्रोजेक्ट की यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई है, बट लेकिन सैडली यानी दुखी यानी अफसोस की बात है कि ही हैज़ मेड सम मिस्टेक्स, के उससे यानी कुछ गलतियां हो गई है इन ड्राइविंग, ये ड्राइंग में, एंड लेबलिंग देम, और उन्हें उन नाम देने में कुछ गलतियां हो गई है, ऊपर नीचे हो गए हैं, गलत हो गया है। हेल्प हिम करेक्ट दिस, हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स, उसकी यानी मदद कीजिए, उसके यानी मिस्टेक्स को क्या करें, करेक्ट कीजिए। देखिए आप, इसने ट्रंक को यहाँ टेल लिख दिया, तो यहाँ पर यहाँ राउंड मारा गया रेड कलर से, और क्या है ये ट्रंक है, और यहाँ लिखा गया है इट इज नॉट अ टेल, इट इज अ ट्रंक, ये टेल नहीं है बल्कि क्या है, ट्रंक है। अब यहाँ देखिए टस्क लिख दे रहा है हॉर्न को, हाँ तो इट इज नॉट अ टस्क, ये टस्क नहीं है, इट इज अ हॉर्न, ये क्या है, हॉर्न है। अब ये देखिए पॉज लिख दिया है यहाँ पर, उसके पॉज होते हैं क्या, नहीं उसे हॉज होते हैं यहाँ पर, और उसने पॉज लिख दिया, इसलिए अ काउ डज नॉट हैव पॉज, शी हैज होज, यानी उसके पॉज पंजे नहीं होते, पंजे तो लॉइन को होते हैं, उसे होज होते हैं, होज यानी खुरे होती है। नेक्स्ट पिक्चर, अ बर्ड हैज नो एंटीना, यहाँ एंटीना बता दिया बर्ड को, तो बर्ड को एंटीना नहीं होता। अ फिश हैज गिल्स नॉट ईयर्स, यहाँ ईयर्स बता दिए, ईयर्स तो ह्यूमन को रहता, हाँ फिश को नहीं होता, तो गिल्स होते हैं, गिल्स यानी गलफड़े, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, ईयर्स नहीं होते, और ये विंग नहीं है, विंग क्या है, क्या है, टेल है ये, इट इज नॉट अ विंग, इट इज अ टेल, ये विंग नहीं है, टेल है। दिस इज पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर टू, न्यूजो इज रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट न्यूजो क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसका इरादा कर रहा है, ऑन बॉडी पार्ट्स पर, यूजिंग द क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, क्वेश्चन एंड आंसर के मेथड से तरीके से वो रिवाइज कर रहा है। रीड द फॉलोइंग एंड एड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक, ये सेम टॉपिक, एक ही टॉपिक पर जो है आपको ये रीड करना है, पढ़ना है ये क्वेश्चन आंसर, और उसके उसको जो है उसमें और कुछ अपने तरफ से उसमें ऐड करना है, मिलाना है। ए डू बर्ड्स हैव विंग्स, क्या परिंदों को पंख होते हैं, यस दे डू, हाँ उन्हें होते हैं। डज अ लॉयन हैव अ ट्रंक, क्या लॉयन को ट्रंक होता है, सोंड होती है, नो नहीं, इट डजंट, उसे नहीं होती। डू एलिफेंट्स हैव ईयर्स, क्या एलिफेंट्स को कान होते हैं, यस हाँ बिग ईयर्स, बड़े कान होते हैं। डज अ बफेलो हैव टस्क, क्या बफेलो को, भैंस को टस्क होते हैं, दांत होते हैं कि हाथी के जैसे, नो नहीं, इट डजंट हैव टस्क, इन्हें उन्हें दांत नहीं होते, बट इट हैज हॉर्न, उसे हॉर्न होते हैं, सिंग होते हैं। डज अ फिश हैव ईयर्स, क्या फिश को ईयर्स होते हैं, कान, नो इट डजंट, नहीं उन्हें कान नहीं होते।
क्वेश्चन नंबर वन, अब देखिए इसमें तीन क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। डू एलिफेंट्स हैव हॉर्न? क्या एलिफेंट को हॉर्न होते हैं सिंह? नो दे डोंट, नहीं उन्हें नहीं होते। नंबर सेकंड क्वेश्चन, डज अ लॉयन हैव अ मैन? क्या लॉयन को मैन होता है, यो आयाल जिसे कहते हैं गर्दन पे बाल? यस हाँ इट डज, उसे होते हैं। नंबर थ्री क्वेश्चन, डज अ मैन हैव अ टेल? क्या मैन को आदमी को दुम होती है? नो नहीं, ही डजंट, उसे नहीं होती। बी क्वेश्चन सेट, कैन अ बुल मूव इट्स हेड? क्या बैल अपना सर हिला सकता है? यस हाँ इट कैन, वो हिला सकता है। कैन अ बुल मूव इट्स हॉर्न? क्या बैल अपने सिंह हिला सकता है? नो इट कांट, नहीं वो नहीं हिला सकता। कैन अ बुल स्टैंड ऑन इट्स हाइंड लेग्स? क्या बैल अपने पीछे के कदमों पर पैरों पर खड़े हो सकता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, ऐसा न्यूज लिखता है। कैन लॉइंस फ्लाई? क्या शेर बबर उड़ सकते हैं? नो दे कांट, नहीं वो नहीं उड़ सकते। कैन अक्षय राइट विथ हिज राइट हैंड? क्या अक्षय अपने राइट हैंड से लिख सकता है सीधे हाथ से? यस हाँ ही कैन, हाँ वो लिख सकता है। कैन अक्षय राइट विथ हिज लेफ्ट हैंड? क्या अक्षय अपने लेफ्ट हैंड से लिख सकता है? नो ही कांट, नहीं वो नहीं लिख सकता। इसी तरह अब हमने इसमें दो क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कैन पैरोट्स फ्लाई इन द स्काई? क्या पैरोट्स तोते आसमान में उड़ सकते हैं? यस दे कैन, हाँ वो उड़ सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन, कैन अ कैट रीड द बुक? क्या बिल्ली किताब पढ़ सकती है? नो इट कांट, नहीं वो नहीं पढ़ सकती। क्वेश्चन नंबर थ्री, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द लेबल्स? लेबल्स की मदद पर, ये जो लेबल की मदद से, नामों की मदद से जो प्लांट के जो नाम दिए हुए पिक्चर्स में, उससे क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए उसके पार्ट्स को, उसके जो नाम दिए गए हैं पार्ट्स के उसको डिस्क्राइब करना है, उसे बयान करना है, उसके बारे में लिखना है। तो अब यहाँ देखिए लिखा गया फ्लावर के बारे में, दिस इज अ फ्लावर, इट्स कलर इज येलो। ये फ्लावर है, ये फूल है और इसका रंग पीला है, येलो है। अब बर्ड के बारे में, दिस इज अ बर्ड, ये बर्ड है यानी कली, इट इज ग्रीन इन कलर और वो हरे रंग की है। लीव्स के बारे में, दीज आर लीव्स, ये पत्ते हैं, लीव्स यानी पत्ते, दे आर ग्रीन और वो ग्रीन है यानी हरे हैं। नेक्स्ट रूट्स, रूट्स के ऊपर है, दीज आर रूट्स, ये जड़े हैं, दे आर इन द ग्राउंड और वो जमीन के अंदर है, जमीन में है। नेक्स्ट फ्रूट, दिस इज अ फ्रूट, ये एक फ्रूट है, फल है, इट इज रेड, ये लाल है, इट कैन बी ईटन, इसे खाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेम, स्टेम यानी तना, इट इज अ स्टेम, ये स्टेम है, तना है, इट सपोर्ट्स टू स्टैंड द प्लांट और ये प्लांट को, पौधे को खड़े रहने में मदद करता है। नेक्स्ट पिक्चर इज फ्लैश, ये जो अपना टोमेटो होता है उसको कट कर कर जो है अंदर का बताया गया है, फ्लैश, फ्लैश यानी मग्ज। दिस इज फ्लैश ऑफ अ फ्रूट, ये फ्रूट में का फ्लैश है, मग्ज है। इट इज सॉफ्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स, और ये सॉफ्ट पार्ट होता है, नरम हिस्सा होता है फल का। सीड्स यानी बीज, दीज आर द सीड्स, ये बीजे हैं, दे आर हिडन इन द फ्रूट्स, और वो कहाँ छुपे हुए होती है, फ्रूट्स में के अंदर छुपे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में सीखना है। अब ये ग्रामर का एक ये हिस्सा है, इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों के अक्साम। यू नो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तुम्हें मालूम है कि जुमलों के कितने किस्में हैं, चार किस्में हैं। नंबर वन स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स को कहते हैं बयानिया जुमला उर्दू में, क्वेश्चंस सवालिया जुमला, नंबर थ्री कमांड्स और ऑर्डर्स बोले तो हुकुमिया जुमला या अमरिया जुमला कहते हैं, और ये सवालिया जुमले को इस्तेफामिया जुमला भी कहते हैं, एक्सक्लामेशन
यानी ताजुबिया जुमला या फिजाइया जुमला कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखेंगे स्टेटमेंट्स, उसकी एग्जांपल है दिस इज अ फ्रेंडली डॉग, ये एक फ्रेंडली डॉग है, जिसकी ऐसा स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी ऐसा बयान या जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी चीज के बारे में मालूमात दी जाती है, यानी सादा सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन, ये सवाल या जुमला है, इसमें सवाल पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट्स द टाइम, और इसके आखिरी में जो है क्वेश्चन मार्क होता है, स्टेटमेंट के आखिरी में जो है लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो इट्स व्हाट्स अ टाइम, यानी वक्त क्या हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, इस तरह के ये दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल दिए हुए। कमांड्स और ऑर्डर, ये हुक्मिया जुमला, कमांड्स क्या है, कम हेयर, यहाँ आओ, एक्सक्लामेशन यानी ताज्जुबिया, इसके अंदर जो है लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होती है, यानी एक लकीर के नीचे एक डॉट होता है। हाउ नाइस, कितना अच्छा, ऐसा उसका मतलब है। फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम न्यूजोस स्टोरी, न्यूजोस की स्टोरी में से एग्जाम्पल, एक एक मिसाल, एक एक टाइप की यानी हमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स, बयान है जुमला, दिस इज माई शोल्डर ज्वाइंट, जो ये इसमें अक्षय ने कहा है कि दिस इज माई शोल्डर ज्वाइंट, ये क्या है, स्टेटमेंट है। क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो इसने ऐसा क्वेश्चन किया, व्हाट इज दिस स्ट्रेंज लाइट, ये स्ट्रेंज लाइट, ये अनोखी लाइट किसकी है, ये भी जो है अक्षय ने ही पूछा था क्वेश्चन। कमांड्स और ऑर्डर, हाँ, नाउ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो, ये भी अक्षय ने ही जो उसको कहा था। एक्सक्लामेशन यानी ताजुबिया, हाँ ये किया, ये कहा है न्योजो ने, न्योजो ने अक्षय को कहा है, ओ माय बजर्स रिंगिंग, ओ देखो एक्सक्लामेशन मार्क है, बजर रिंगिंग के बाद भी एक्सक्लामेशन मार्क है, यानी उसने ताजुब से कहा, अरे मेरा बजर बज रहा है, बजने लगा है, बज रहा है। तो यहाँ पर ये अभी आपको अच्छी तरह से इसकी स्टडी करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसे अच्छी तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 17, सफा नंबर 17 पे ये चौथा सवाल है, रीड व्हाट तारा एंड हर फ्रेंड्स आर सेइंग, हाँ पढ़िए कि तारा और उसके फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त है वो क्या कह रहे हैं। अब ये दोस्तों के अपने को नाम मालूम होना चाहिए, ये मिट्टू है, ये कुकू है, ये मियाँ, ये तारा स्टडी कर रही है देखिए, और ये टोटो सो रहा है डॉग, और ये बिट्टू है, और ये पैडी है। अब ये देखेंगे हम स्टार्ट से, मिट्टू क्या कह रहा है, ट्रीज गिव अस शेड, के दरख्त हमें साया और छाव देते हैं, है ना, साया देते हैं या छाव देते हैं, कौन, पेड़। बिट्टू, अब ये कह रहा है कौन, कुकू कह रहा है कि बिट्टू, बिट्टू को कह रहा है, बिट्टू कम ऑन अप, ऊपर आ जाओ, इट्स फन सिटिंग ऑन द ब्रांच, शाख पे बैठने का, ये ब्रांच पे बैठने का बहुत मजा आ रहा है, ऊपर आ जाओ। अब मियाँ कह रही है आई लव टू स्क्रैच द बार्क, बार्क यानी वो तना जो है, तने के ऊपर जो छाल है, वो दरख्त की छाल को मेरे को नोचना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसे पसंद करती हूँ। अभी टोटो सोते सोते स्लीपिंग में क्या कह रहा है, देखो इट्स सो कूल, कितना ठंडा है, एंड शेडी अंडर द ट्री, कितना ठंडा और कितना सायेदार है दरख्त के नीचे, और वो आराम कर रहा है। और तारा यहाँ पर क्या कर रही है, तारा इज स्टडिंग अ बुक, एक किताब का मुताला कर रही है। अभी पैडी कर रहा है आई फाउंड एन अर्थवॉर्म एंड अ कैटरपिलर, मुझे क्या मिला है, अर्थवॉर्म जो जमीन का केचुआ होता है ना वो, और कैटरपिलर यानी वो अली वो मिली है, यानी ऐसा उसका बोलना बोला उसने। और ये है बिट्टू, बिट्टू कह रहा है दिस ट्री ट्रंक इज ह्यूज, यानी ये जो ट्री का जो ट्रंक है, ये जो तना है ना, आम जबान में से हम खोड़ कहते हैं, ये तना बहुत बड़ा है, ह्यूज यानी बहुत बड़ा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये वर्ड्स को लगाना है, लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हुरफे तहजी की तरतीब। नंबर 1 फोरहेड, आई लीड, आईब्रो, आई लैश, एल्बो। अब ये इसको देखना है कि अल्फाबेट में सबसे पहले ए बी सी डी में क्या आता है, तो यहाँ एफ से शुरू होने वाले लफ्ज है और बाकी के पूरे ई से, तो एफ जो है ई के बाद आता है, तो ई वाले लफ्ज पहले लेना पड़ेगा। अब ई वाले चार है, अब चार में से किसको पहले लेंगे, तो यहाँ देखेंगे ई वाई, ई वाई, ई वाई, और यहाँ ई एल है, तो एल पहले आता है वाई से, इसलिए एल्बो पहले आ जाएगा। उसके बाद आई वाले जो है तीन है, आई आई आई, यानी ई वाई,
ई वाले तीन है। अब उसके बाद हम देखेंगे तो चौथा हरूफ है यहाँ पर एल, यहाँ पर बी और यहाँ पर एल, यानी दो एल वाले है और बी वाला एक है, तो एल से पहले बी आता है इसलिए एफ आईब्रो हो जाएगा। उसके बाद एल वाले दो है तो अब एल के बाद कौन सा हरूफ है वो देखेंगे, तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आई, तो ए पहले आता है इसलिए आई लैश आ जाएगा और आई लीड बाद में आएगा और आखिरी में फोर हेड आएगा। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनेगा एल्बो, आईब्रो, आई लैश, आई लीड एंड फोर हेड। नंबर सेकेंड है चीक चैन, सॉरी चीक चीन, चेस्ट, वेस्ट, रिस्ट। अब देखेंगे आप तो सी से यहाँ पर तीन है और डब्ल्यू से दो है, तो डब्ल्यू वाले सी के बाद आएंगे इसलिए पहले हम सी को देखेंगे। तो सी के अंदर सी एच, सी एच, सी एच दोनों भी है, तीनों भी जो वर्ड है वो सी एच से है और बाद में देखेंगे तो ई, ई के दो है, तो अब ये आए तो ई के बाद आता है इसलिए ई वाले को पहले सोचेंगे। अब ई के बाद और देखेंगे हम चौथा हरूफ क्या है, तो चौथा हरूफ है यहाँ पर ई और यहाँ पर एस, तो ई वाला पहले आएगा यानी चिक पहले आ जाएगा, उसके बाद चेस्ट आएगा, उसके बाद चीन और ये हो जाएगा सी के हो जाएंगे पूरे। और अब डब्ल्यू के देखेंगे हम तो डब्ल्यू के दो है मगर डब्ल्यू के बाद जो दूसरा हरूफ है यहाँ पर ए है और यहाँ पर आर है, तो ए वाला पहले आएगा यानी वेस्ट पहले आएगा और रिस्ट बाद में आएगा और इस तरह से वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेंगे चीक, चेस्ट, चीन, वेस्ट, रिस्ट। नंबर थ्री फेस, हिल, हैंड, नी, आर्म, एंकल। अब देखेंगे तो ए वाले यहाँ पर दो है, अब दो में से ए दूसरा हरूफ देखेंगे तो यहाँ आर है यहाँ एन है, तो एंकल पहले आ जाएगा फिर आर्म आएगा। उसके बाद देखेंगे हम एच, एच से पहले एफ आएगा तो एफ वाला ले लेंगे पहले। अब उसके बाद देखेंगे एच वाले दो है तो एच के बाद दूसरा हरूफ यहाँ ए है तो हैंड आ जाएगा और उसके बाद हील आएगा और आखिरी में के वाला आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनेंगे एंकल, आर्म, फेस, हैंड, हील एंड नी। नंबर फोर टस्क, टेल, ट्रंक, स्टोमक, बैक। तो अब देखेंगे तो बी वाला सबसे पहले आना चाहिए है ना, तो बैक आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद एस वाला आएगा क्योंकि टी के एस टी जो है एस के बाद आता है इसलिए स्टोमक आ जाएगा। अब टी वाले यहाँ तीन है तो अब देखेंगे टी के बाद एफ जो आ रहा पहले तो वो उससे उसके बाद आ जाएगा स्टोमक के बाद। अब टी के बाद यहाँ यू है और टी के बाद यहाँ आर है तो आर वाला आएगा और बाद में यू आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेंगे बैक, स्टोमक, टेल, ट्रंक एंड टस्क। नंबर फाइव हॉर्न, हूफ, जॉ, हाइंड, फ्रंट। अब यहाँ एफ वाला जो है पहले आना चाहिए क्योंकि ये बात के हरूफ है यानी उसके बाद के। अब एच वाले यहाँ पर तीन है और जेड वाला एक है तो एच पहले आता है और जेड जे बाद में आता है, सॉरी जे बाद में आता है, तो एच के हम जो तीन देखेंगे तो एच ओ के यहाँ दो है और आई का एक है तो आई पहले आता है तो इसलिए हाइंड पहले लेंगे और उसके बाद लेंगे हूफ और उसके बाद लेंगे हॉर्न। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा फ्रंट, हाइंड, हूफ, हॉर्न एंड जॉ। लास्ट वन आखिरी का जो छठा है विस्कर्स, मैन, पॉ, नोज। ये एकदम इजी है, क्यों इजी है क्योंकि ये पूरे डिफरेंट अल्फाबेट से है। तो पहले देखेंगे हम एम आएगा उसके बाद एन फिर उसके बाद पी और लास्ट में आएगा डब्ल्यू वाला, यानी पहले मैन आएगा फिर नोज आएगा पॉ एंड विस्कर्स। इसकी भी आपको अच्छी तरह से स्टडी करके इसे अपने नोटबुक में अच्छी गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस, लेबल इट। अपने पसंद की एक तस्वीर बनाना है, एनिमल की बनाओ चाहे बर्ड की बनाओ और उसको लेबल यानी उसे नाम दो, उसे नामजद करो। फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राइब ईच बॉडी पार्ट यू लेबल एग्जांपल्स। हाँ आप जो तुमने लेबल दिए नाम दिए हैं उसको एक डिस्क्राइब वर्ड यानी उसके साथ यानी जोड़ो, जैसा कि एग्जांपल में बताया है लॉन्ग विस्कर्स यानी लंबी मूंछें, व्हाइट फीदर्स बोले तो सफेद पर ऐसा है ना उसने दिया ई टी सी एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह। अब तो यहाँ पर भी हमने देखे हैं रेड बीक यानी इसकी जो चोंच है बीक जो है वो कैसी है, रेड है लाल है तो रेड बीक, स्मॉल आई यानी छोटी आँख, राउंड आई यानी गोल आँख, ग्रीन विंग इसका जो विंग है जो पंख है वो ग्रीन है, लॉन्ग टेल लंबी दुम, शॉर्ट फुट यानी छोटा कदम या छोटा पैर।
हम ये देख लिए। अब उसके बाद देखेंगे नाउ डिस्क्राइब योर बर्ड और एनिमल इन 3 to 5 sentences, 3 या 5 जुमले में अपने बर्ड या एनिमल की जो आपने पिक्चर बनाए हुए हैं उसे क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बयान करना है थोड़ी मालूमात। तो हम यहाँ पर जो पैरोट बनाए हुए हैं तो हमने यहाँ लिखा आई ड्रू अ पैरोट, मैंने एक पैरोट उतारा हूँ। इट इज़ स्लिम, वो दुबला पतला है। इट इज़ ग्रीन इन कलर, वो रंग हरे रंग का है। इट हैज़ रेड बीक, उसे लाल चोंच है। इट हैज़ स्मॉल एंड राउंड आइज, उसकी आंखें छोटी और गोल है। इट हैज़ ग्रीन एंड लॉन्ग विंग्स, उसके पंख हरे और लंबे हैं। इट्स टेल इज लॉन्ग, उसकी दुम लंबी है। इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, और ये खूबसूरत परिंदा है। अब यहाँ पर हमने देख लिया, अब हम ये होमवर्क की बारी आती है। होमवर्क में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग, अभी इसको मैच करना है ए एंड बी। यहाँ पर एक एग्जांपल बताई हुई है, ए में है क्रैन, 1 crayon, 2 tomato, क्रो पैरोट, एंड नंबर 5 banana। यहाँ है बी में ए ग्रीन, बी येलो, सी वाइट, डी रेड एंड ई ब्लैक। अब ये क्रेन से यहाँ पर एक एग्जांपल जो है ऑलरेडी करके बताई हुई है, सॉल्व कर दी हुई है। क्रेन जो है यहाँ पे कलर के नेम है, क्रेन यानी बगला, ये कौन से कलर का होता है, वाइट, तो यहाँ पर वाइट को यानी बता दिया है। अब टोमेटो कौन से कलर का होगा वो बता देना है, एक सब आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट ईच एक्टिविटी प्रॉपरली, हर एक्टिविटी को अच्छी तरह से कीजिए। एंड राइट डाउन इट इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में कैसा लिखिए, इन गुड हैंड राइटिंग, अच्छे यानी खुशखत में लिखिए और हमें ज़रूर बताइए, तो हम इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से ये एंड होता है अपना एक्टिविटी 1.5, न्योजोस प्रोजेक्ट इज एंड, यहाँ पर एंड होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, इसकी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और इसकी स्टडी के बाद इसे अच्छी तरह से लिखिए और हमें यानी बताइए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।